क्या बात है यार शिनचैन, बहुत ही मजा आ रहा है। अरे ऐसी बात है तो नाचते रहो, क्योंकि ऐसा मौका हमें बहुत ही कम मिलता है। वैसे भी फ्रैंकलिन भैया हमें कहीं पर लेकर भी नहीं जाते। अरे इसलिए तो मैंने सोचा कि ये संडे ऐसे खाली जाने नहीं दूंगा। मैं तो बोलता हूँ कि फ्रैंकलिन भैया को भी जगा दो। अरे नहीं चौप, एक बार अगर वो जाग गई ना तो हमारा नाच गाना बंद करवा देंगे। अरे बाप रे, ये क्या गिरा? अरे एक मिनट, ये तो ग्रूट है ना, पर इसकी ये हालत कैसी हो गई? इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। रुको एक काम करता हूँ, फ्रैंकलिन भैया को जाके बोलता हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से उठो, यहाँ पर एक इमरजेंसी आ गई है। फ्रैंकलिन भैया, अरे बापरी, ये तो सुन ही नहीं रहे। अबे यार शिनचैन, सोने देना, आज तो संडे है यार। अरे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है भाई, उठ गया, बोल क्यों पीछे पड़ा हुआ है मेरे, एक दिन भी शांति से सोने नहीं दे सकता। अरे बाहर जाकर देखो, एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ठीक है, चल जाकर देख रहा हूँ। पता नहीं गाइस ऐसा भी क्या होगा। ओ भाई साहब, अबे ये तो ग्रूट है ना, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आपको लगता है हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक काम करता हूँ, टोनी को कॉल करता हूँ, उसको पता होगा। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी यार, ग्रूट अचानक से मेरे घर पर आ गया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। तुझे पता है इसके बारे में कुछ? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं पता, पर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, इसे लेकर तेरे घर ही आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे सही टाइम पर यहाँ पर लेकर आ गए, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। क्या बात कर रहा है, पर ऐसा किया किसने होगा, क्योंकि ग्रूट तो यहाँ पर रहता भी नहीं है, वो तो पूरी गैलेक्सी घूमता रहता है। मैंने पता किया इसके बारे में, ये काम थेनोस के चमचों का है, उसने अपनी पूरी टीम को अलग अलग डायमेंशन में भेज दिया है। ग्रूट भी उन्हें ही रोकने गया था, पर उन लोगों ने इसकी ऐसी हालत कर दी। क्या बात कर रहा है, फिर तो यार उन्हें रोकना बहुत जरूरी है, तुम जल्दी से ग्रूट को ठीक कर दो। अच्छा ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ ये काम मेरे बस का भी है या नहीं। पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। फ्रैंकलिन, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते, मुझे किसी और की भी मदद लगेगी। मेरी बात सुनो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि ग्रुप तो इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। हम दोनों को या सिर्फ मुझे, हमेशा की तरह? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी पावर्स और सूट दे सकता हूँ, वरना तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, दे जो सूट देना है। बस वहीं पर खड़े रहो, मैं तुम्हें ग्रुप जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, अब तो उसका सैंपल भी हमारे पास है। गाइस यार पता नहीं कौन सा सूट मिलने वाला है, झटके तो बड़े तगड़े लग रहे हैं। ओ बेबी ग्रूट, तूने मुझे बना बना कर भी यही बनाया। देखो मेरे हाथों में बस इतना ही था, इसके आगे का काम तुम्हें खुद करना होगा, तुम्हें सूट को अपग्रेड करना होगा। हाँ वो तो मुझे पता ही है, चलो फिर मैं चल रहा हूँ यहाँ से। गाइस जल्दी जल्दी निकलते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सूट को अपग्रेड कैसे करूँ, पर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। ओहो हो, जरा यहाँ तो देखो, एक हॉट डॉग कार्ट पड़ी है, और यहाँ पर कोई है भी नहीं। मैं काम करता हूँ, जब तक वो आदमी नहीं आता मैं खुद ही हॉट डॉग बेचने लग जाता हूँ, वैसे तो थोड़ा बहुत मुझे बनाना भी आता है। जल्दी से जाके शुरुआत करते हैं। यहाँ बहुत सारे हॉट डॉग पहले से बने हुए हैं, मुझे बस इन्हें गर्म करके देना है। अरे यार बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर एक हॉट डॉग की काट है, एक काम करता हूँ जाके हॉट डॉग ही खा लेता हूँ। अरे भाई साहब, मुझे एक चीज हॉट डॉग मिल जाएगा क्या? थोड़ा जल्दी चाहिए। अरे हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी खड़ा हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरे यार बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करती हूँ वहाँ जाके हॉट डॉग खा लेती हूँ, सस्ते में काम भी हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। ओ हॉट डॉग वाले भैया, जरा मेरा एक सेजवान हॉट डॉग लगा दो ना। मैडम जी पहले से किसी का ऑर्डर है, आप एक काम करिए लाइन में लग जाइए, इनका थोड़ी देर में होने वाला है। अरे यार ठीक है चलो, पर थोड़ा जल्दी करना, मुझे तेज भूख लगी है। गाइस यार धीरे धीरे करके, यहाँ तो बहुत ज्यादा लाइन जमा हो गई है, आप बस इन्हें फटाफट बना के देना है, एक साथ सब गरम कर देता हूँ। फिर क्या, पैसे ही पैसे, बस इस कार्ट के मालिक ना आ जाए उससे पहले। अरे यार थोड़ा जल्दी कर लो, बहुत भूख लगी है। हाँ यार ये तो बहुत ही ढीला है, थोड़े तेज हाथ चलाओ। चलो गाइस फाइनली सबको हॉट डॉग बांट दिए, अब ये दो चार बचे, आप फटाफट यहाँ से निकल जाते। देखो हमें हॉट डॉग बेच के मिल चुके हैं पूरे $1,000, तो इसमें हमारा पहला अपग्रेड आ जाएगा। जल्दी से चेक करते हैं क्या
मिलता है और ये बाय। ओ गाइस, चलो थोड़े बड़े तो हो गए पर अभी भी काफी कमजोर लग रहे हैं। चलो अब यहाँ से निकले ताकि हम और ज्यादा अपग्रेड हो सके। अब कोई नई चीज ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इससे भी काम नहीं बनने वाला है। ओहो, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जरा जाकर चेक किया जाए गाइस। देखकर तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई फाइटिंग मैच होने वाला है। देखो अगर कॉम्पिटिशन है तो इनाम भी हो गई। पर पहले चेक कर ले के अंदर है कौन। योंडू। अबे यार, किसी में हिम्मत है मुझे हराने की तो आ जाओ, या फिर तुम सबके सब कायर हो। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है गाइस, पर कोई बात नहीं, हम इसे हराएंगे। पर पहले इनाम का पता कर लेते हैं। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ तो मुझे कितना इनाम मिलेगा? देखो, इनाम तो पूरे $10,000 है, पर क्या तुम्हें लगता है तुम इसे हरा पाओगे? जरा उसे देखो और खुद को देखो। अरे यार, आप उसकी चिंता मत करिए, बस देखते जाइए मैं उसे कैसे हराता हूँ। चलो गाइस जाते हैं अंदर। और ये मैं पहुँच गया। आ जा योंडू, देख कैसे मैं तेरा भोंदू बनाता हूँ। तुम तो ग्रूट हो ना, इतने दुबले पतले कैसे लग रहे हो? किसी ने सारी लकड़ियाँ ले ली क्या? अबे यार, ये तो हम पर ही जोक मार रहा है, तेरी तो मैं। ओ अबे यार, क्या पड़ी है भाई साहब, ये तो बच गया है यार, अब नहीं बचेगा। कैसा लगा मुंह पे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी कोई पंच था। चल ज्यादा होशियारी मत मार, नीचे तो तू गिरा था। वो तो मेरा पैर फिसल गया था, अब गिरा के बताओ। ये लो गाइस, यार ये क्या धनाधन देते ही जा रहा है। रुक जा। अबे यार, इसका कुछ करना पड़ेगा, फिसल के गिरा था ना, अब तू देख वापस फिसलेगा, तेरी तो। ये ले। देखा, कहा था ना मैं नहीं गिरूंगा। कोई बात नहीं, अभी गिराता हूँ। ओ भाई साहब, तेरी तो मैं। ये ले, बहुत हो गया, कब से बोल रहा हूँ। अब देख तुझे कैसे हराता हूँ मैं, खुद को डेढ़ शाना समझ रहा है ना तू। ये खा। ओ यार, एक तो ये बस्ता कमाल है। हारोगे तो तुम, तेरी तो मैं। ये ले और ये खा, लगी तो इसको अच्छी खासी है। अब बोल दे के फिर से फिसल गया। हाँ वो मैं क्या कर रहा है। हाँ, तेरी तो उठना नहीं। फिर से उठ गया यार। अब ये ले और ये खा, बड़ा आया। हाँ नहीं तो कब से। चलो गाइस, फाइनली इसे हराई दिया। बहुत मुश्किल हुई यार, एक तो हम लोग बहुत कमजोर है पहले से, पर इसको मारने के बाद हमें मिल चुके हैं $10,000। तो देखते कौन सा सूट मिलता है। और ये अब जाके लग रहा है कि मैं थोड़ा ढंग का बन गया हूँ, और ग्रूट तो लग रहा हूँ थोड़ा। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये वाला अपग्रेड भी काफी नहीं होगा, हमें और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा। अब कहाँ जाऊँ। एक आइडिया है मेरे पास, जहाँ पर बहुत महंगी महंगी कारें होती है, और वो है गोल्फ कोर्स। तो चलो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से यहीं पर छुप जाता हूँ। देखो गाड़ियाँ तो एक से एक पड़ी है, और वो भी सारी की सारी महंगी। अब समझ नहीं आ रहा इसमें से चुराऊ कौन सी वाली, ये वाली या फिर ये वाली। अबे यार, एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ और देखता हूँ, क्या पता इनसे भी महंगी गाड़ी मिल जाए। अबे नाम लिया और हाजिर, जरा सामने देखो, ये तो एक F1 कार है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं चुराई। ऊपर से ये गोल्ड प्लेटेड भी है, ये सबसे सही रहेगी यार, मुझे लगता है ये इन सबसे महंगी होगी, तभी इसे अलग से रखा गया है। चलो बैठते हैं अंदर और इसे लेकर रवाना होते हैं। चालू हो जा। क्या बात है यार गाइस, इसे चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये काफी अलग है, इसके हैंडलिंग भी अलग है, और स्पीड का तो पूछो ही मत, थोड़ा सा पुश करने पर भी ये कितनी तेज भाग रही है। भाई साहब यार, इसे चलाकर तो मजा आ गया, इसे अब सीधा साइमन के पास लेकर जाता हूँ। एक मिनट, ये साइरन। अबे नहीं यार, ये पुलिस की गाड़ी कहाँ से आ गई? लगता है इन्हें पता चल गया है कि मैंने ये गाड़ी चोरी की है। इनसे बचते हुए जाना होगा, पर इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं यार, ये तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया है, इतने जोर की टक्कर मारी, इस पर स्क्रैच आ जाता तो। इसको क्या लेना देना गाइस, टेंशन तो हमें है, जैसे तैसे करके इससे पीछा छुड़ाना होगा यार, ये बहुत ज्यादा स्पीड चला रहा है। इतना रफ चलाना अलाउड है? वैसे इनको तो सभी अलाउड होगा, क्योंकि रूल को फॉलो करते हुए तो चोर को नहीं पकड़ सकते ना। अबे यार, ये तो सामने ही आ गया, क्या टक्कर मारी है। कोई बात नहीं। ओ हो, यहाँ पर गाइस अब चोर पुलिस वाला गेम चल रहा है, और पुलिस थोड़ी भारी पड़ रही है, मुझे कैसी भी करके इसके नजरों से दूर जाना होगा। कोई तो तरीका होगा यार इसे पीछा छुड़ाने का, ऐसे तो ये हमें पकड़ ही लेगा, फिर गाड़ी अलग हाथ से जाएगी और हम लोग अलग जेल जाएंगे। देखो गाड़ी तो मैं दूसरी भी ढूंढ लूं, पर मुझे जेल नहीं जाना यार। क्यों भाई क्यों, छोड़ देना, वो तो अच्छा एक ही गाड़ी आई है, सोचो कि अगर सारी की सारी आ जाती तो अपना क्या हाल होता। चलो, अभी भी हम लोग उससे आगे ही है। अबे यार, रेस थोड़ी चल रही है, मुझे थोड़ी स्पीड को और बढ़ाना होगा। ओ यहाँ पर ब्रिज टूटा हुआ है, अब मैं देखता हूँ ये मेरा पीछा कैसे करता है भाई साहब। देखो गाइस, पुलिस अंकल तो पीछे ही रह गए, वो यहाँ से जंप कर
कर ही नहीं पाए। क्या बार बार बचे हम। चलो अब इसे सीधे लेके जाते हैं साइमन के पास, इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला अपने पीछे आ जाए। मैं कोई पंगा नहीं चाहता गाइस। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रहा साइमन। देख भाई तेरे लिए क्या मस्त चीज लाया हूं मैं। ये देख एक F1 कार और वो भी गोल्ड प्लेटेड। अरे वाह क्या बात है, आज तक मैंने ऐसी गाड़ी नहीं देखी और आज तक कभी मेरे कलेक्शन में भी ऐसी गाड़ी नहीं थी। तुमने तो दिल खुश कर दिया। एक F1 कार ऊपर से गोल्ड प्लेटेड, मजा आ गया देखकर। इसके तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। देखो मैं तुम्हें इसके दूंगा पूरे $1,00,000। क्या बात कर रहे हैं, चल इतना काफी होगा, आके बाद में मिलता हूँ। गाइस इसमें तो हमारा अच्छा खासा अपग्रेड आ जाएगा, तो जल्दी से जाते हैं कहीं पर ये जगह एकदम ठीक रहेगी। तो अब देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा अपग्रेड मिलता है। और बूम भाई साहब कितने लंबे चौड़े हो चुके हम लोग। एक मिनट यार किसका फोन है। बोल टोनी। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे कल ऑब्सिडियन की लोकेशन मिल चुकी है, वो शहर में तबाही मचा रहा है, तुम्हें जाकर उसे रोकना होगा। क्या बात कर रहा है। चलो गाइस थैनोस के चमचों में से एक चमचा तो मिल ही गया है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। मुझे लगता है ग्रुप की भी ये हालत उसी ने की होगी। देखो लोकेशन के हिसाब से तो वो यही कहीं पर होना चाहिए। ये रहा, देख कल मैं वापस आ गया हूँ, अब तू बच के नहीं जा पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें सुबह ही हरा दिया था। हाँ तो क्या हुआ, मैं वापस आ गया और इस बार तू हारेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, तो इसे जल्दी से दूर कर दो। गलत फहमी तो तेरी है, तुझे तो मैं दूर करता हूँ। ये ले। हाँ नहीं तो मेरे सामने होशियारी, मेरे सामने। तुम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो। वो तो तुझे बताऊंगा मैं, बस उससे पहले तू मुझे छोड़ दे। भाई यार सारी लकड़ियां तोड़ दी। क्यों फालतू की मेहनत कर रहे हो, तू मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अभी बताता हूँ ना तुझे टिक पाऊंगा या नहीं। अबे यार ये मारता बहुत जोर से, ताकत तो बहुत है इसमें, पर हम भी किसी से कम नहीं है गाइस। लगा झटका। झटका तो तुम्हें लगेगा, ये लो। ओ भाई यार गाइस इसकी तो मैं क्या बाउंस किया है। तेरे को मैं बॉल दिखता हूँ क्या। हाँ नहीं तो अभी ये ले। और ये कहा गाइस इसको मौका देंगे नहीं, ये बहुत जोर से मारता है यार। क्या बाउंस होके वापस आया था। मुझे लगता है इसकी पुंगी बच चुकी है। चलो फाइनली काम निपटा ही दिया। अबे नहीं मुझे जाके ग्रुट को भी चेक करना है वो ठीक है या नहीं। हम लोग नॉर्मल हो गए गाइस। चलो ये तो और भी अच्छी बात है, काफी भारी भारी फील हो रहा था। अब जल्दी से चलते हैं टोनी के यहाँ पर। ओहो जरा इसको तो देखो, ये तो ठीक हो चुका है, थोड़ा सा कमजोर लग रहा है पर ये रिकवर कर लेगा। सही बोला ना टोनी। हाँ तुमने एकदम सही बोला, आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट। हाँ वैसे सच्ची बोलो तो कुछ समझा नहीं, पर कोई बात नहीं गाइस, अगर आपको समझा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।